वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम लेके आते हैं इतिहास के पन्नों में से लिए कुछ ऐसे आवश्यक फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक हैं। वीडियो के आखिर में हम चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी। विद दिस, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 2 जनवरी यानी कि 2 जनवरी की दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक ऐतिहासिक फैक्ट्स। और सबसे पहला फैक्ट हमारा हुआ था 1878 में, जब जाने माने सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला मन्नथु पद्मनाभन वॉज बोर्न। भारत केसरी श्री मन्नथु पद्मनाभन एक भारतीय समाज सुधारक और दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी यानी कि NSS के संस्थापन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया। पद्मनाभन इज कंसिडर्ड एज अ विजनरी रिफॉर्मर हु ऑर्गेनाइज्ड द नायर कम्युनिटी अंडर द NSS। वह नायर सर्विस सोसाइटी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे और वहां के सेक्रेटरी के रूप में भी 31 वर्ष तक कार्यभार संभाला। ही वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी फॉर 3 years। उन्होंने सामाजिक मान्यता के लिए लड़ाई लड़ी और वाइकोम सत्याग्रह ऑफ 1924, गुरु वायूर सत्याग्रह ऑफ 1931 जैसे मंदिर प्रवेश सत्याग्रहों में भाग लिया, जो कि दोनों ही अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के बिल्कुल खिलाफ थे। After this, he became a member of Kerala Congress in 1964 and took part in the agitation against Sir C.P. Ramaswamy Iyer's administration in Travancore. As the first president of Travancore Devaswam Board, उन्होंने कई मंदिर फिर से खुलवा दिए और पुनः स्थापित करवाए जो कि ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। In 1959, he along with Christian churches led a united opposition against state communist ministry, which became known as Vimochan Samaram. इसका अर्थ होता है लिबरेशन स्ट्रगल। इन 1964 ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन ऑफ केरला कांग्रेस, जो कि पहली रीजनल पार्टी थी भारत की। इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि ही वाज ऑनर्ड विद द टाइटल भारत केशरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Apart from that, he has also received the prestigious Padma Bhushan Prize in the year 1966. अब चल के देखते हैं दोस्तों आज के दिनांक से जुड़ा दूसरा आवश्यक फैक्ट, जो कि हुआ था 1932 में, जब प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल ड्यूरिंग द पंजाब इंसर्जेंसी ऑफ 1980s हरचंद सिंह लोंगोवाल का जन्म हुआ था। हरचंद सिंह लोंगोवाल, जिनको पॉपुलरली संत जी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने जानी मानी पंजाब अकॉर्ड साइन करी थी, जिसको राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड भी कहा जाता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ। दिस वॉज डन ऑन 24 जुलाई 1985, और ये एक 11-point मेमोरेंडम था जिसके अनुसार गवर्नमेंट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ अकाली दल, जिन्होंने बदले में अग्री किया टू विड्रॉ देयर एजिटेशन। लेकिन लेस देन अ मंथ आफ्टर साइनिंग द पंजाब अकॉर्ड, लोंगोवाल वॉज असैसिनेटेड बाय सिख ग्रुप्स, जिन्हें अकॉर्ड से संतुष्टि नहीं थी और जो इसके खिलाफ थे। तो यहां आप पंजाब अकॉर्ड का नाम जरूर याद रखिएगा। क्योंकि बात अकाली दल की हो रही है, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि इसका नाम शिरोमणि अकाली दल भी है और ये भारत की सेकेंड ओल्डेस्ट पोलिटिकल पार्टी है कांग्रेस के बाद। इसकी स्थापना 1920 वर्ष में करी गई थी और आजकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं सुखबीर सिंह बादल। इट कंट्रोल्स सिख रिलीजियस बॉडीज सच एज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। ये लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पॉलिटिकल पार्टी है पूरे विश्व भर में।
विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, और ये बहुत ही आवश्यक फैक्ट है भारत के इतिहास में, क्योंकि आज ही के दिन इन द ईयर 1954 भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत रत्न वॉज इंस्टीट्यूटेड, यानी कि इसकी संस्थापना करी गई थी। इसे 2 जनवरी 1954 को ही संस्थापित किया गया था। यह जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग का भेदभाव किए बिना उन सभी भारतीय नागरिकों को ऑनर करता है who have done exceptional service or performance of the highest order. This award was originally limited to achievements in arts, literature, science and public services. लेकिन वर्ष 2011 के बाद से it includes any field of human endeavor. भारत रत्न के recommendations प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 3 लोग नामांकित किए जाते हैं, यानी कि 3 recipients are chosen in one particular year. प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र मिलता है, एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्राप्त होता है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, और पुरस्कार से जुड़ा कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है, यानी कि there is no monetary prize associated with this honor. And the very first recipient of भारत रत्न were भारत के पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और सेकंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नोबेल प्राइज लॉरेट सी वी रमन। तो इन 3 व्यक्तियों को मिला था पहला भारत रत्न इन 1954। अब अगर बात करी जाए कि कौन थे वो पहले व्यक्ति जो पोस्थमसली सम्मानित होने वाले, यानी कि मृत्यु के पश्चात भारत रत्न पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता बने, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और जिनके नाम की सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी मसूरी में तो आप सभी जानते होंगे। और इसी प्रकार ये भी आप याद रखिएगा कि इन 2014 क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बने, और अगर बात करी जाए सबसे अधिक उम्र के प्राप्तकर्ता की, सो दैट वॉज धोंडो केशव कारवे, हु वॉज अ फेमस इंडियन सोशल रिफॉर्मर, और इनको इनके 100th बर्थडे के दिन ये अवार्ड दिया गया था। द फर्स्ट सिंगर यानी कि पहली गायिका जिनको ये पुरस्कार मिला था थी MS सुब्बुलक्ष्मी। और अगर बात करें आखिरी बार किसको सम्मानित किया गया है इन द ईयर 2019, तो आप याद रखिए कि द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द 2019 भारत रत्न टू सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख, इनको पोस्थमसली ये अवार्ड दिया गया, और असम राज्य के प्रसिद्ध सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर भूपेन हजारिका जी को ये प्राइज दिया गया, और साथ में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी को भी ये पुरस्कार दिया गया था। विद दिस अब चल के देखते हैं दोस्तों अगला फैक्ट हमारा, जो कि हुआ था 1959 में, व्हेन द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू रीच द विसिनिटी ऑफ अर्थ्स मून, यानी कि भारत के चंद्रमा के आसपास तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्षयान लूना 1 लॉन्च किया गया था। लूना 1 जिसको कि मेचता के नाम से भी जाना जाता है, ये फर्स्ट लूनर रोवर भी बुलाया जाता है। This was indeed the first spacecraft to reach the vicinity of Earth's moon, और पहला spacecraft to be placed in the heliocentric orbit. Intended as an impactor, यानी कि इसको लॉन्च करने का उद्देश्य था एक impactor के रूप में, और Luna 1 सोवियत लूना प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था वर्ष 1959 में, लेकिन कुछ खराबी आ जाने के कारण the spacecraft missed the moon by 5,900 किलोमीटर्स। इसको आर्टिफिशियल प्लैनेट 1 के नाम से भी और फर्स्ट कॉस्मिक शिप के नाम से भी बुलाया जाता है। इसको अनोखा माना जाने की खास वजह यह है कि इट हैड अचीव्ड अर्थ्स एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो एस्केप वेलोसिटी का अर्थ है वो मिनिमम स्पीड या वो मिनिमम गति जिससे एक स्पेसक्राफ्ट धरती के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर पाता है, क्योंकि इसके पश्चात ही वो अंतरिक्ष के प्रति जा पाता है। सो दिस बिकेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट टू हैव रिसीव्ड दिस डिस्टिंक्शन। अब लूना 1 बिकेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट टू रीच द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चौथा और फाइनल स्पेसक्राफ्ट था YE-1 सीरीज का।
इसके पश्चात लूना 2, द सेकेंड स्पेसक्राफ्ट ऑफ द YE-1A सीरीज वॉज लॉन्च्ड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन 13 दिसंबर 1959। विद दिस अब चल के देखते हैं अगला आज का हमारा फैक्ट, जो कि हुआ था 1987 में, जब जाने माने इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हरे कृष्ण मेहताब पास्ड अवे। हरे कृष्ण मेहताब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे और 1946 से 1950 तक और दोबारा 1956 से 1961 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। इन्हें उत्कल केशरी के टाइटल से जाना जाता है, जिसका अर्थ है उड़ीसा का शेर। वर्ष 1930 में इन्होंने महात्मा गांधी के लीडरशिप वाले सॉल्ट सत्याग्रह में भाग लिया और इसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। तब तक ये कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य बन चुके थे इन अ वेरी वेरी एक्टिव नोट और उड़ीसा में पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके थे। इन 1938 मेहताब वाज नॉमिनेटेड टू द कांग्रेस वर्किंग कमिटी बाय सुभाष चंद्र बोस। यह अनटचेबिलिटी जैसी समाज कुरीतियों के सख्त खिलाफ थे। दो बार उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहने के अलावा ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ बॉम्बे फ्रॉम 1955 टू 1956। इनके टेन्योर को इन द फॉर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज रिमेंबर्ड फॉर इंपॉर्टेंट मेजर्स लाइक शिफ्टिंग द स्टेट कैपिटल फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी, लेकिन अब भुवनेश्वर बन चुकी है, तो ये इन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया था। देन ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड बिकॉज इनके कार्यकाल में हीराकुड डैम बनाया गया था, जो कि उड़ीसा का एक जाना माना प्रोजेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, He also founded and led Odisha Jan Congress. एक राजनीतिज्ञ होने के अलावा ये एक प्रोलिफिक राइटर भी थे। इन्होंने एक साप्ताहिक प्रजातंत्र शुरू किया जो बाद में एक दैनिक बन गया। In 1983, he was awarded Sahitya Academy Award for his famous book Gaon Majlis. He was also the president of Sangeet Natak Academy and also the president of Odisha Sahitya Academy. इन सभी फैक्ट्स के बाद अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, With which state is Vimochan Samaram Movement associated? किस राज्य से जुड़ा है ये आंदोलन? ऑप्शंस आपके पास हैं ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी ओडिशा। The next question says, which Indian Prime Minister had signed the Punjab Accord in 1985? वर्ष 1985 में कौन से भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पंजाब समझौता साइन किया गया था? ऑप्शंस है ए वीपी सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी या डी चंद्रशेखर। The next question says, in which year was the Bharat Ratna instituted? भारत रत्न पुरस्कार को किस वर्ष संस्थापित किया गया था? ऑप्शंस आपके पास है ए 1955, बी 1954, सी 1953 या डी 1956। अगला सवाल कहता है, हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न पोस्थुमसली, यानी कि मृत्यु के पश्चात भारत रत्न से सम्मान होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ऑप्शंस है ए लाल बहादुर शास्त्री जी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बी आर अंबेडकर या डी मदर टेरेसा। और अगला सवाल है कि विच आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट बिकेम द फर्स्ट टू रीच द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। अभी अभी हमने इस फिनोमेना के बारे में बात की है, तो आप सोच समझ के दोस्तों उत्तर दीजिए कि पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने वाली पहली आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट कौन सी बनी? क्या ये लूना 1 थी या फिर लूना 2 थी? वॉज इट पाइनियर 4 या फिर इसका उत्तर है पाइनियर 1? इसी प्रकार अगला सवाल कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गांव मजलिस? गांव मजलिस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है ए हरे कृष्ण मेहताब, बी बीजू पटनायक, सी बीरेन मित्रा या फिर डी विश्वासनाथ दास। विद ऑल दीज इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।